हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो कैसे कि आप सबने इस वीक का स्मैकडाउन का एपिसोड देख ही लिया होगा और कह सकते हैं यहाँ पर हमें एनएक्सटी का दबदबा देखने को मिला, यानी कि एक तरह से एनएक्सटी ने इन्वेट किया स्मैकडाउन को। बट आप सबने देखा ही होगा कि इस स्मैकडाउन में हमें काफी सारे सुपरस्टार मिसिंग देखने को मिले, जैसे कि रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, इसके अलावा और भी काफी सुपरस्टार। तो वो हमें आज की शो में क्यों देखने को नहीं मिले, और साथ ही साथ आप सबने स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि पॉल हेमन ने एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, और वो ये है कि ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन को क्विट कर जा रहे हैं मंडे नाइट रॉ पर। अब ये चीज शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि हम सब जानते हैं जब स्मैकडाउन फॉक्स पर गई नहीं थी उसके 6-7 महीने पहले से ये अपडेट्स आ रही थी कि ब्रॉक लेसनर पार्ट होने वाले स्मैकडाउन का। बट हम सब ने देखा कि आज के स्मैकडाउन में कुछ और ही हो गया, यानी कि वो चले गए यूएसए नेटवर्क के मंडे नाइट रॉ पर। तो आखिर ब्रॉक लेसनर क्यों गए मंडे नाइट रॉ पर, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं उसी सवाल के बारे में जो कि आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिरकार आज की स्मैकडाउन में इतने सारे बड़े सुपरस्टार मिसिंग क्यों थे। तो जैसा कि आप सब जानते ही है, 2 दिन पहले हमें WWE का इवेंट देखने को मिला था सऊदी अरेबिया में, जो कि था क्राउन जूल, और वहां से यूएसए आने में लगभग 12 घंटे से ज्यादा लगते हैं। तो आप सबको बता दो, जिस दिन WWE सुपरस्टार को वापस लौटना था यूएसए, उसी वक्त फ्लाइट में आ गई थी कुछ मैकेनिकल इशू, इसलिए सुपरस्टार्स को वहां से आने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट आप सब यही सोच रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर कैसे आ गए। देन आप सबको बता दूं, ब्रॉक लेसनर के पास उनका अपना प्राइवेट जेट है, इसलिए उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बाकी सारे सुपरस्टार के पास तो अपना प्राइवेट जेट नहीं है, जिसकी वजह से आप सबने आज के स्मैकडाउन में देखा होगा कि कमेंटेटर से लेकर रिंग अनाउंसर से लेकर सारा कुछ चेंज लग रहा था, जिसकी वजह से WWE को स्मैकडाउन का एपिसोड तो रन करना ही था, इसलिए उन्होंने NXT के सुपरस्टार की मदद ली, यानी कि उन्होंने जो चीज बात के लिए बचा कर रखी थी वो अभी कर दी, यानी कि NXT को सुपरस्टार को डोमिनेट दिखाने की। अब मैं पूरी तरह से श्योर था कि WWE रोमन रेंस एंड अदर कुछ सुपरस्टार को किसी न किसी तरह से यूएसए भेजी देगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ सुपरस्टार ने तो रिएक्ट भी किया इसके ऊपर, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते। बट एक गुड न्यूज है कि जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे शायद सुपरस्टार अभी प्लेन में ट्रेवल कर रहे होंगे, यानी कि वो यूएसए के लिए निकल गए होंगे, इसलिए हमें नेक्स्ट रॉ एंड स्मैकडाउन में सारे के सारे सुपरस्टार देखने को मिलने वाले। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है कि आखिर क्यों ब्रॉक लेसनर वापस से चले गए मंडे नाइट रॉ पर। तो जैसा कि आप सब जानते ही है, ब्रॉक लेसनर जब पहली बार स्मैकडाउन में आए थे कोफी किंगस्टन को चैलेंज करने के लिए, देन हम सब पूरी तरह से श्योर थे कि ब्रॉक लेसनर अब स्मैकडाउन में ही बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले। बट हम सब ने इस स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा कि पॉल हेमन एक काफी बड़ी शॉकिंग चीज अनाउंस कर दी, और वो ये है ब्रॉक लेसनर बदला लेना चाहते हैं रे मिस्टीरियो से, जो भी उन्होंने किया उनके साथ क्राउन जूल में। और जब विंस विकमैन से पॉल हेमन ने पूछा रे मिस्टीरियो को स्मैकडाउन में लाने के लिए, देन उन्होंने इस चीज को एग्री नहीं किया, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर ने ये डिसीजन लिया कि वो स्मैकडाउन को क्विट कर जा रहे हैं मंडे नाइट रॉ पर, और उन्हें कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए, यानी कह सकते हैं कि अब ब्रॉक लेसनर जा चुके हैं रॉ पर। तो इसके पीछे आप सबको बता दूं रियल रीजन आखिर है क्या। तो WWE ने तो हमें ये बताया है कि वो फ्यूट करने जा रहे हैं रे मिस्टीरियो के साथ मंडे नाइट रॉ पर, जो कि है ही, बट रियल रीजन ये है फॉक्स चाहती है उनके ब्रांड में एक ऐसा चैंपियन रहे जो कि रेगुलर स्मैकडाउन में अपीयर होता रहे, यानी कि वो हर शो में हमें देखने को मिले। बट हम सब जानते हैं ब्रॉक लेसनर के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से WWE ने फिंड को यूनिवर्सल चैंपियन बनाकर स्मैकडाउन में भेज दिया और ब्रॉक लेसनर को वापस रॉ पर। इसके अलावा आप सबको बता दूं कि इसके साथ साथ एक और ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, और वो ये है कि WWE नहीं करवाना चाहती फिंड वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच। तो जैसा कि हम सब जानते हैं WWE की हर साल यही थीम रहती है कि वो WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन करवाती है, बट इस बार उन्होंने NXT को भी इंक्लूड कर दिया, इसलिए WWE ऐसा दिखाना चाहती है कि ब्रॉक लेसनर तो बिजी हो चुके हैं रे मिस्टीरियो के साथ मैच लड़ने में, और द फिंड ब्रे वायट अभी किसी के साथ भी फ्यूड में नहीं है, तो क्यों ना हम NXT चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन का मैच करवाए। तो कह सकते हैं इन्हीं दो रीजन में से कोई एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें ब्रॉक लेसनर जाते हुए दिखे रॉ पर। और अगर आप सब सोच रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर हमेशा के लिए रॉ पर चले गए, देन आप सब गलत हो सकते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया या फिर उसके आसपास हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि ब्रॉक लेसनर वापस से आ जाए स्मैकडाउन में। इसलिए अब देखना होगा कि आगे चलकर ब्रॉक लेसनर के साथ क्या कुछ होता है। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप सबको लगता है स्मैकडाउन अपना बदला लेगी NXT से, उन्हें NXT के ब्रांड में ही हमला कर या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।